नमस्कार दोस्तों, कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्रेकिंग न्यूज है, 50,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जैसा कि आप लोग को न्यूज कटिंग वगैरह से अभी नहीं मालूम है, तो आप लोग जान लीजिए कि किस तरह से 50,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है यूपी में। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, 50,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में, ये आपके हिंदुस्तान के पेपर में आज की आई हुई है। इसके जो माध्यम से आपको हम बताते हैं किस तरह से खतरे में है, किस तरह से खतरे में नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कल एक वीडियो तैयार किया था, उसमें बताया था कि क्या कहते हैं, कौन कौन सी भर्तियां प्रभावित होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। ये देखें, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत और 2012 से 2018 के बीच में नियुक्त तकरीबन 50,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन शिक्षकों की नौकरी उस आदेश के बाद सवालों के घेरे में है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों के ट्रेनिंग, बीएड, डीबीटीसी आदि का परिणाम उनके टीईटी के परिणाम के बाद आया, ऐसी नियुक्तियाँ मान्य नहीं है। इस आदेश के कारण 2012 के बाद प्राथमिक स्कूलों में हुई भर्तियाँ हैं 72,825, 97,170, 10,800, 10,000, 15,000, 16,447, 12,460, इस तरह की सारी ये भर्तियाँ हैं। सहायक अध्यापक व उर्दू के अलावा उच्च प्राथमिक के लिए हुए भर्ती 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित प्रभावित हो रहे हैं। ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का ऑर्डर, ये देखिए है, हाईकोर्ट ने कहा है कि टीईटी रिजल्ट से पहले जिसका ट्रेनिंग परिणाम आया उसकी नियुक्ति ही वैध है, और जिसका क्या कहते हैं टीईटी रिजल्ट पहले आ गया है उनके बीटीसी रिजल्ट या बीएड के पहले से, उनका मान्य नहीं है। इसके बाद इधर आते हैं, सहायक एक अनुमान के मुताबिक शिक्षकों की संख्या लगभग 50,000 से अधिक है, जिसका ट्रेनिंग परिणाम आंसर बात चल रही 68,500 सहायक अध्यापक भी पड़ेगा। हाईकोर्ट ने 30 मई को अपने आदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा, जिन शिक्षकों का प्रयोग प्रशिक्षण परिणाम उनके टीटी रिजल्ट के बाद आया उनका चयन निरस्त कर दे। हालांकि इस मामले में अभी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, अभी सरकार की या पीएनपी की तरफ से अभी कोई ऐसा आदेश कुछ नहीं आया है, केवल हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसका पालन सरकार को करना पड़ेगा। फिलहाल अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, कब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये इसके जानने के लिए हमारे आगे वीडियो देखते रहे। और जो बीच में कॉलम बना रखे हैं, इनका क्या कहना है, हाईकोर्ट ने 30 मई के आदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, सरकार के को भी चाहिए कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, नहीं तो सैकड़ों स्कूलों पर ताले पड़ जाएंगे। तो सरकार इसका डिफेंड करेगी, अवश्य करेगी, जिस हिसाब से कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एक पक्ष में एक प्रकार से फैसला सुना दिया है, कुछ लोगों के रिट दायर की गई थी उसके द्वारा, तो सरकार इसका डिफेंड अवश्य करेगी और करना भी चाहिए। इसके बाद लड़के जिन लोग इससे प्रभावित होंगे वो अवश्य डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आदेश से प्रभावित शिक्षक। ये देखिए, जैसा मैं बता रहा था, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित शिक्षकों में अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी, एक टीम दिल्ली पहुँच चुकी है। चयनित शिक्षकों का तय कि उत्तर प्रदेश टेट के लिए 4 अक्टूबर 2011, 15 मई 2013 को जारी शासनादेश में इस बात का जिक्र नहीं था, जिसके परीक्षण का परिणाम टीटी के बाद होगा, उनका टीटी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसा पहले जो उन्होंने गाइडलाइन दी थी उसमें ऐसा कोई भी नहीं दे रखा था कि ऐसा कुछ होगा, तो इसी के आधार पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे हैं, और जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं साथ दें और सभी लोग अपना एक मजबूती का संगठन बना के उसका पहुँचें। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, गुरुजी क्लासेस, धन्यवाद।